जाएगा। Ask you how excited are you? जब से पोस्टर लगाया आपने काफी, आप तो काफी excited कल के लिए क्या कहना चाहोगे? यार मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली जो शो है वो जनता का हो चुका है। और मज़े की बात है कि शो आज रात को 12 बजे लाइव जाना था, पर क्योंकि मुझे सब खबर पहले पता चल जाती है तो मैंने 7 बजे डाल दिया जी। तो ये हाँ अपने किरदार के बारे में, काफ़ी हटके किरदार है ये जी जी। लास्ट जो सीरीज़ आपने की थी उसमें भी काफ़ी हटके था, इस सीरीज़ को लेके किस तरह से आपको ये किरदार मिला, क्या कुछ किरदार के बारे में क्या कहना चाहिए? ये किरदार आपकी तरह है वस्ते आगा, ये किरदार आपकी तरह, आप सबकी तरह है, क्योंकि हमारे सबके सपने, हमारी सबकी कुछ ख्वाहिशें हैं। अब हम उन ख्वाहिशों को कैसे पूरा करते हैं, ये शो उस बारे में। और बस वो कैरेक्टर बिल्कुल हमारी तरह है, वो सबको, अपने सारे दोस्तों को, अपनी पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलना चाहता है आगे। और वो किस तरह आगे बढ़ता है, किस तरह सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता है, कहानी उस बारे में। सपनों की आपने बात की, एक तस्वीर आपने शेयर की थी, काफ़ी प्यारी तस्वीर थी मरीन ड्राइव की जी, जो बहुत समय पहले और फिर से वही जगह पे आपने फिर से वो शूट किया। हाँ, कुछ अगर बताना चाहोगे उस तस्वीर के बारे में, किस तरह की रिस्पॉन्स आए तस्वीर को लेकर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे नहीं पता था मैं मरीन ड्राइव पे शूट कर रहा था, फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मैं यहाँ पहले आया हूँ, तो मैंने जब फेसबुक पे जाके देखा तब मुझे पता चला कि यहाँ मैं 11 साल पहले आया था, और वो सेम स्पॉट पे मैंने वो फ़ोटो ली थी तब, और वो सेम स्पॉट पे अभी 11 साल बाद फ़ोटो लिया है, तो हाँ एक फुल सर्कल कह सकते हैं। यार अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि कौन सी चीज़ करना चाहूँगा मैं, पर अभी अभी क्या है, अभी जो शुरुआती चीज़ है कि अभी ताज़ा खबर यही है कि अभी ये ताज़ा खबर आया है और अभी चाहूँगा कि लोग इसको पसंद करें, बाकी जो चीज़ें होती रहेंगी वो तो होती रहेंगी, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ अभी प्लान है नहीं। ढिंडोरा सीज़न 2 लिखना शुरू कर दिया। भुवन जी, इसके अलावा बीबी के वाइंस की मैं बात करूँ, काफ़ी समय से आपने वीडियो नहीं डाला, टीटू मामा को काफ़ी लोग याद कर रहे हैं, उस किरदार को डॉक्टर शैगल को याद कर रहे हैं, अभी नाम लेने जाओगे तो काफ़ी लोग को याद कर रहे हैं, तो अगर कुछ हमारे दर्शकों को कब आने वाला है वीडियो? इस आदमी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ क्योंकि परसों आया एपिसोड। हाँ, उसके बाद पकड़े गए। यस सर, के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? सर बताएंगे सर का कैसा रहा? अरे ये सर तो बड़े ये हैं कि इतने पॉपुलर हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं कि पहले जब मैं मिला तो मुझे लगा नहीं, मुझे लगा भुवन माम जिनके इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो वो तो पता नहीं हवा में उड़ रहे होंगे, लेकिन ये तो इतने भोले भाले, एकदम मासूम, हमेशा इनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, वो बहुत इन्फेक्शियस है। और ये जो जैम ऑफ पर्सन है, वंडरफुल एक्टर, और ख़ास करके ताज़ा खबर ने जो काम किया है आपको बड़ा मज़ा आएगा। सर आप अपने किरदार के बारे में काफ़ी डिफरेंट, एक दाढ़ी है पूरा अलग, एक पाओ अलग किरदार, अगर मैं गलत हूँ तो कुछ अगर बताना चाहो अपने किरदार के बारे में? जी हाँ, मैं इसमें महबूब का किरदार निभा रहा हूँ, जो एक बेकरी वाला है, जिसकी एक बेकरी है, अंडा पाव मस्का पाव वगैरह मिलता है, और वो घर घर जाकर साइकिल पे भी ये सारी चीज़ें बेचता है, बहुत सीधा साधा मामूली इंसान है, और अपने अल्लाह में बहुत मानता है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। भुवन जो वस्या का किरदार निभा रहे हैं, उम्र से छोटे हैं पर इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, और ये दोनों साथ में मिलकर और दूसरे एक दो जन मिलते हैं और एक जर्नी पर निकलते हैं, इसी जर्नी की ये कहानी है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, जिससे देखने का पब्लिक को बड़ा मज़ा आएगा। भुवन, एक्टिंग के साथ साथ हमें पता है आपको गाने का भी काफ़ी शौक है, इस सीरीज़ में आपकी आवाज़ से कुछ अगर शब्द हमने देख पाएंगे सीरीज़ में, कुछ अगर गाने की मैं बात करूँ? ये सीरीज़ थोड़ी म्यूज़िकली बहुत रिच है सीरीज़। इस सीरीज़ में टोटल 11 गाने, जिसमें से एक मैंने लिखा है और एक मैंने गाया है, और बाकी जो गाने हैं वो सुनेंगे तो मज़ा आएगा, एल्बम आ चुकी है वैसे, पर शो के साथ देखेंगे तो मज़ा आएगा। सर हम जानना चाहेंगे, जब आपको ये कॉल आया था कॉन्सर्ट के प्रोडक्शन से, आपको कॉल आया तो आप काफ़ी हल्के में ले लिए थे, हमने इंटरव्यू में सुना था आपके, बट आपके बच्चे ने कहा था आपसे कि अरे आप भुवन सर के ऑफिस से फोन आया, आपका क्या रिएक्शन? जी हाँ, ऑनेस्टली कहूँ ये कहनी अच्छा तो नहीं लगता, पर मैंने भुवन के बारे में सुना नहीं था पहले, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, पर जब मैंने ऐसे ही बातों में मेरी भांजी से कहा कि मैं भुवन बाम करके कोई है उनके ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ से फ़ोन आया है, तो उन्होंने कहा भुवन बाम के ऑफिस से आपको फ़ोन आया है,
ओ मामा यू मस्ट गो एंड यू मस्ट डू दिस प्रोजेक्ट एंड दिस एंड दैट, ही इज लाइक स्टार ही। और फिर मुझे, मैंने थोड़ी छानबीन की, थोड़ा गूगल ये वो किया, और मुझे पता चला भाई ये तो एकदम तीस मार खां है, रॉक स्टार ही है। मोहन एक आखिरी सवाल, कैन वी एक्सपेक्ट इंडोर सीजन 2? हाँ बिल्कुल, उसका लिखावट शुरू कब का पता नहीं मुझे, मैंने लिखावट कर दिया शुरू, और अभी जब आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, उसमें टाइम लगता है, VFX बहुत है, क्योंकि मैं के लिए ताजा कवर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबसे यही गुजारिश है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ताजा कवर जरूर देखिएगा। जी जी, एक क्वेश्चन और है। हां हां, जैसे कि अभी आपने लास्ट टाइम फेंडोरा किया था, बहुत जबरदस्त माइंड ब्रेकिंग सीरीज थी आपकी, तो इसके बाद जो नए प्रोजेक्ट है इसमें आप कुछ नए चेहरे लाना चाहेंगे? वैसे देखा जा रहा है कि हाँ, जैसे ताज़ा खबर में मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही कि देवेंद्र सर के साथ मुझे खड़े रहने का मौका मिला, वैसे ही उम्मीद है आगे भी अगर हो पाया तो मौका मिलता रहेगा आगे भी। बट मुझे जब पता चला कि ये तो ऐसा बनता है कि सारे किरदार खुद ही निभाता है, तो मैंने कहा अरे भाई ताज़ा खबर मुझे बुला रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हाथ में डंडा वंडा कुछ पकड़ा देंगे, पर बाद में पता चला कि इनका तो किरदार है ही मज़ेदार, तो मेरा भी किरदार, और इन्होंने इस तरह से स्क्रिप्ट में क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से न्याय किया है सारे किरदारों को। वो एक टीटू मामा के स्टाइल में ताज़ा खबर देख रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो बेटा जितने लोग ये देख रहे हैं अभी ये मत देखो, ये देखो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाओ, शो आ चुका है, खाना खाओ, खाना खाते देखो, परिवार के साथ देखो, बीवी के साथ देखो, बच्चों के साथ देखो, हस्बैंड के साथ देखो, देखो भाई देखो। भाई आपने आ जाएगा।
हो गया हो गया यार, हम सारे मैसेज आया कि मेरे को मैसेज आया भुवन भाई की पिक्चर आ रही है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर ट्रेलर अच्छा लगे यू कैन यू प्लीज शेयर। भाई मेरे को ट्रेलर इतना अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये जो न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स है ना दैट आर कनेक्टेड टू द पीपल, जो समझते हैं भाई, मुझे लगता है वही मचा रहे हैं आज। भाविन कला की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा किरदार आपका रहा है, काफ़ी वंडरफुल एक्टिंग आपने की है, काफ़ी अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स आया, आप बताना चाहो किस तरह के रिस्पॉन्स आपने? भाई कला का रिस्पॉन्स अभी ये आज ताज़ा खबर की बात करते जी, ओ मैं भूल गया भाई, बहुत टाइम से नहीं गया। हाँ भाई मतलब इट्स कला की पिक्चर अब तृप्ति, लेट्स टॉक टू तृप्ति अबाउट इट ना, दिस इज टुडे इज अबाउट भुवन भाई एंड ताजा खबर की एक्टिंग देखी रही ट्रेलर में भुवन की, सबसे अच्छी बात क्या लगी भाई? इट लुक्स रियल, इट लुक्स लाइक ही इज एक्चुअली फीलिंग द इमोशंस व्हिच इज अमेजिंग, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई रियली वांट टू वॉच हिज वर्क एंड भुवन भाई आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग एंड यू नो दिस न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स जो अभी हम हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक जो बंदा स्टारडम एक्टिंग और स्टारडम को सेपरेट कर सकता है ना, आज अभी मुझे लगता है एक्टिंग चलेगी भाई अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ना, सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। भाई स्टोरी देखते हो ना, सबसे ज़्यादा अगर आपके इतना सोचता नहीं हूँ भाई, अगर मेरे दिल पे आके लगता है तो मैं आई गेट अट्रैक्टेड टू इट, इतना ही है, दिल को लगना चाहिए बस। मुझे एथलीट प्ले करनी, आई रियली वांट टू प्ले एन एथलीट, आई वांट टू प्ले अ टेनिस प्लेयर, मेरा ड्रीम है जी। अगर मैं कह दूंगा तो उसका सस्पेंस चला जाएगा ना भाई, आने दो देखते हैं। 2023 नए साल से नई उम्मीदें होती है, किस तरह की उम्मीद आपको है 2023 को, किस तरह से साल को देख रहे हो एज एन प्रोफेशनल वाइज? प्रोफेशनल वाइज भाई मैं बस मेरी अंदर की जो काबिलियत है उसके पास मैं पहुंच पाऊँ, जो चीज़ें आपको रोकती है अपनी काबिलियत तक पहुंचने की उसको मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ और उन पे काम कर पाऊँ, मेरी इतनी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। I have forgotten how to do this.